हमने यहाँ तक कर लिया था, अब थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं इसको फाइनलाइज करने के लिए। तो मैंने क्या किया, पहले इसको कॉपी करके अलग रख दिया, चारों तरफ से 9 इंचेस का अंदर ऑफसेट ले लिया, इनको एक्सप्लोड कर दिया, यहाँ से ऑफसेट कर दिया 9 फिट पे, टेन फिट पे ही कर दिया हमने, देखना सर अगर वो लेट कर। इसके बाद 4.5 इंचेस की वॉल दे दी हमने, तीन फिट का यहाँ से पैसेज छोड़ दिया हमने, 9 इंचेस की वॉल, इधर भी 9 इंचेस की वॉल दी, आउटर वॉल है 9 इंच, सपोर्टिव वॉल मेन सपोर्ट रहेगा, 9 इंचेस की दे दी हमने। फिट जगह हमने यहाँ से ले ली, फिर उसके बाद वापस से 9 इंचेस की वॉल दे दी, इनको एक्सटेंड कर दिया, इनको ट्रिम कर दिया, इसको भी ट्रिम कर दिया। यहाँ से हमने 12 फिट लिया, देन 4.5 इंचेस की वॉल दे दी, या मैं एक काम कर रहा हूँ, पैसेज नहीं दिया मैंने, ऊपर की बालकनी को हम आगे की तरफ कर देंगे फिर, ठीक है। पैसेज को ख़त्म कर दिया हमने, अब ये वाले रूम का साइज़ क्या आ रहा है, देखो 12 फिट 9 इंच आ रहा है, तो मैंने इसको 10 फिट ही लिया रूम, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं दिया, 10 फिट का रूम दे दिया, 4.5 इंचेस की वॉल आ गई। आठ फिट मैंने यहाँ से ऑफसेट ले लिया, 4.5 इंचेस की वॉल दे दी। तीन फिट 6 इंच की डोर के लिए स्पेस दे दिया। अब ये एरिया कितना बच रहा है, देखो हमारे पास टोटल 13 फिट है, एंट्री इधर से रखी नहीं, इधर से एंट्री रख लेते हैं। एंट्री इधर से क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि अगर इधर से एंट्री रखेंगे ना तो हमारा आने जाने का पैसेज भी वही रहेगा, वॉशरूम की विड्थ जो होगी वो हमारी फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इधर से एंट्री रखने में हम क्या कर सकते हैं, दो वॉशरूम दे सकते हैं, एक वॉशरूम को रूम से अटैचमेंट में दे देंगे और एक वॉशरूम हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन एरिया में आ जाएगा, तो दो वॉशरूम का सेटअप दे सकते हैं हम आराम से। लेकिन अगर आपने एंट्री इधर से रखी तो वॉशरूम का सेटअप फिर हमारा देना मुश्किल रहेगा। तो अभी जैसे आपने देखा था कितनी थी टोटल, 13 फिट था, अटैच वॉशरूम के लिए मैंने यहाँ से 5 फिट का स्पेस दे लिया, 4.5 इंची की वॉल दे दी, यहाँ से लाइन अटैच इधर रखी, 4.5 इंच की वॉल दे दी हमने, इसको एक्सटेंड कर दिया हमने, 4.5 इंचेस की वॉल दी हमने यहाँ से, इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया, इसको भी ट्रिम किया।
विड्थ कितनी आ रही है इसकी टोटल? 10 फीट, 4.5 इंच। हमने ऐसे स्पेस छोड़ा वॉशरूम के लिए। देखो 3 फीट जगह शावर को चाहिए होती है, 2.5 से 3 फीट जगह WC के लिए, टॉयलेट सीट के लिए चाहिए होती है। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6। उसके बाद वैनिटी हम 2 फीट में भी दे सकते हैं, 6 और 2 8। अगर हम 10 फीट 4.5 इंच में से 8 फीट घटा दें तो कितना बचेगा हमारा? 2 फीट 4.5 इंच वॉल भी चली जाएगी तो 2 फीट क्लियर बचेगा। वो 2 फीट में हमारी क्या जाएगी? शाफ्ट दे सकते हैं हमारा। हमसे शाफ्ट उसके अंदर से हमारे क्या होंगे, जितने भी पाइप्स होंगे वो सारे उसके अंदर से आ जाएंगे हमारे। एक छोटी विंडो भी उसके अंदर खुल जाएगी, एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे तो वेंटिलेशन भी आपका उससे हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक शाफ्ट दे सकते हैं, शाफ्ट की जो चौड़ाई है वो कम से कम 2.5 से 3 फीट देनी चाहिए हमें। बट अगर कम कहीं पर मजबूरी पड़ती है तो आप छोटी रिड्यूस उसको कर सकते हो, बट कोशिश हमें यही करनी चाहिए कितनी दें हम? 2.5 से 3 फीट के दें, ताकि कल को उसके अंदर रिपेयर किए जा सके आराम से। तो मैंने यहाँ से क्या किया, शाफ्ट में बैक की तरफ डालूंगा, तो इसकी वॉशरूम की एंट्री में इधर से रख दूंगा, ठीक है। तो वॉशरूम के लिए मैंने यहाँ से 7 फीट जगह ले ली, फिर 4.5 इंची की वॉल दे दी। अच्छा, अब ये 3 फीट की आपकी आ गई होगी, तीन बाय पाँच की शॉप बहुत बड़ी हो गई, इसमें आराम से सामान रखा जा सकता है आपका, मतलब सॉरी सामान कहना, पाइप्स वगैरह जो है, पाइप्स विंडो भी खुल जाएगी इसके अंदर, वेंटिलेशन विंडो बट हाँ कटआउट रहता शॉप। यहाँ से हमने 2 फीट 9 इंच का डोर ले लिया, फिट का शावर के लिए स्पेस हो गया, ठीक है। 2.5 फिट का आपका WC के लिए हो जाएगा। यहाँ पे कॉर्नर पे छोटा वाला हाथ धोने का सिंक होता है, वो एक आ जाएगा, बड़ा सिंक नहीं आ पाएगा, मजबूरी है, लेकिन उस टाइप का एक सिंक आ जाएगा। ये आपका कॉमन वॉशरूम है, इसको हमने थोड़ा बड़ा बनाया, दो फिट 9 इंच हमने यहाँ से ले लिया डोर के लिए। शावर कितने का होगा हमारा? 3 फिट, 3 फिट का ही WC भी होगा। 4.5 इंचेस की मैंने वॉल दे दी यहाँ से, अब ये स्पेस कितना बच रहा है? 4 फिट। मैंने इसको स्ट्रेच करके खींच दिया 6 इंच और, आ रहा है 7 फिट 9 इंच आ रहा है ना। इसको भी विड्थ में खींच लेते हैं हम 9 इंच ही और, 7 फिट अपने आप में काफ़ी बड़ा स्पेस है। हमने हैंड वॉश यूनिट दे दिए, ठीक है। जहाँ इधर की तरफ डाइनिंग भी होगी हमारी, किचन है सामने की तरफ, डाइनिंग आएगी हमारी या नहीं आएगी? तो डाइनिंग के लिए हाथ धोने की जगह भी चाहिए होगी। यहाँ पे हम गेट नहीं देंगे, हमारी ओपनिंग रहने वाली है, गेट इधर दे देंगे हम अपना, ठीक है। टॉयलेट सीट इधर लग जाएगी, इधर शावर हो जाएगा आपका, वेस्टर्न टॉयलेट सीट दे देंगे, ठीक है। हैंड वॉश यूनिट की इधर ओपन में रहेगी, ठीक है। इसका मैं आपको प्रीव्यू कुछ दिखा देता हूँ किस तरीके से हम रखने के, ठीक है। सो इस तरीके से कर सकते हैं, नीचे आप चाहे तो वॉल दें, या हो सकता है आप वॉल ना तो वैनिटी से ही कवर कर लो, ऊपर इस टाइप के पार्टीशन दे दिए, पीछे आपकी वैनिटी लग गई, ये एक प्रोविजन के साथ चल सकते हैं हम। तो आप वॉल आपको देनी है नहीं देनी वो आपकी चॉइस है, मैं वॉल को ख़त्म ही कर देता हूँ, काम करता हूँ। वॉल हमने ख़त्म कर दिया, मैं एक काम और कर रहा हूँ, स्ट्रेच पे गया मैं और मैंने इस वॉल को यहाँ से मिला दिया, ठीक है। थोड़ा वॉशरूम का साइज भी बढ़ गया होगा हमारा, कितना आ गया ये? 8 फिट 10.5 इंच, ठीक है। तो
3 फिट का शावर एरिया ले लो आप, 2.5 फिट का आपका WC आ गया, उसके बाद आ गया 2 फिट का आपका। दो फिट में आपकी वैनिटी आ जाएगी, एक छोटी सी हैंड वॉश यूनिट जो भी आराम से, यहाँ टॉयलेट आ जाएगा आपका। इस तरीके से हो गया हमारा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेंटर में एक लाइन लेंगे, रूम का गेट आ तो जाएगा यहाँ पे सेफ, ये आपका 3.5 फिट का है, गेट क्यों नहीं आएगा, इसको फ्लैट करके राउंड कर दिएगा चाहे तो, या तो पार्टीशन वैसे खड़ा कर दिएगा। जी सर बताइए क्या कह रहे हैं। और इसको 15 इंचेस मैंने दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया, बीच वाली लाइन को डिलीट कर दिया, यहाँ पे एक बड़ी सी विंडो दे दी, ऐसे ही वेंटिलेशन यहाँ पे भी दे दिया हमने, मिडल को कनेक्ट किया, ये मैंने 2 फिट की छोड़ी क्योंकि स्पेस कम है ना इसके लिए, उधर बड़ी ज़्यादा थी, ज़्यादा बड़ी दे दी, इधर कम है तो कम दे दी, ठीक है। अब एंट्री गेट घर का वो हम यहाँ दे देंगे 4 फिट। गेट इधर खुल जाएगा, इस रूम का एंट्री गेट हम इधर की तरफ दे देंगे, ठीक है। और एक इस रूम के लिए एक्सटीरियर गेट भी डाल देंगे, ठीक है। मान लो कभी कोई बाहर से मेहमान आ रहे हैं, ये वाला गेट बंद है, बाहर वाले गेट रूम जो होते हैं उनमें डबल गेट जनरली दिया जाता है ना, तो इस तरीके से रखो, दोनों गेट एक ही साइड देना नहीं, अलग दे सकते हैं, लेकिन आप सोचो कोई यहाँ से आया अब अंदर जाएगा, अगर आपने ये दे दिया तो उसको ऐसे घूम के ऐसे जाना पड़ेगा, अभी क्या होगा कनेक्टिविटी, इधर भी दे सकते हो आप, यहाँ पे आप देंगे गेट, फिर उसके बाद यहाँ गेट देंगे, ये वाला गेट भी आएगा उसमें, उसमें क्या होगा गेट के ऊपर गेट ओवरलैप होगा, ये वाला गेट तो इधर खुल जाएगा लेकिन ये वाला गेट तो आपका अंदर ही खुलेगा, तो गेट के ऊपर गेट क्या हो जाएगा ओवरलैप होगा, गेट के ऊपर गेट ओवरलैपिंग कोशिश करते हैं ना, पता चला कोई इधर से जा रहा है इधर से किसी ने गेट खोल दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, इसलिए गेट के ऊपर गेट ओवरलैप नहीं देने चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए सिंगल मतलब गेट हो, ठीक है। इधर की तरफ गेट हमने ओपन क्यों नहीं किया, जैसे इधर क्या था वॉशरूम का साइज छोटा हो जाता, अभी ये रूम भी प्रॉपर हो गए, वॉशरूम भी हमारे 2 निकल आए, डाइनिंग एरिया या लिविंग एरिया भी हमारा 4 निकल रहा है, तो सारी चीज़ें निकल आई इसमें हमारी। ये वाला एक मास्टर बेडरूम आ गया हमारा, काफ़ी बड़ा रूम है, 15 फिट बाई 12 फिट का, अच्छा खासा बड़ा है रूम है ना, वॉशरूम भी ठीक है ये वाला हमारा, शाफ्ट भी अच्छी खासी निकल आ गई। अब शाफ्ट के ऊपर आप क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे इस तरीके से, इसका मतलब कट आउट, इसके ऊपर स्लैब नहीं पड़ेगा, और कहीं ऐसा एरिया जहाँ स्लैब नहीं पड़ेगा स्टेयर्स के ऊपर, तो स्टेयर्स के ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यही कटआउट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जी क्या कह रहे हैं, हो गया इतना पूरा। अच्छा ये हमारा क्या हुआ, ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर प्लान हुआ, ठीक। अब इसमें आप आगे का काम करिए, 2 फिट मैंने इधर से स्लैब के लिए ले लिया पहले, 2 फिट इधर से ले लिया, लाइन कमांड पे गए, इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट किया, इसको ट्रिम किया, यहाँ से 40 इंची मैंने ऑफसेट कर दिया, जनरली फ्रिज जो होता है वो हमारा 2.5 फिट से 3.5 फिट की जगह में आ जाता है, 2.5 फिट में हमारा जो नॉर्मल जो फ्रिज होता है, ठीक है, 90 लीटर से 150-180 लीटर तक का वो 2.5 फिट की जगह लेता है, उससे ज़्यादा लीटर कैपेसिटी का फ्रिज है जो जैसे वाटरप्रूफ की तरह खोलते हैं डबल डोर वाले साइड के अलॉन्ग जो खोलते हैं वो ज़्यादा जगह लेते हैं, वो आपका 1000 से 1200 mm तक की जगह ले लेते हैं। तो आप हाई एंड क्लाइंट है तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, फ्रिज भी उनका क्या होगा अच्छा बड़ा सा फ्रिज होगा, तो उसी के हिसाब से बात 2 BHK की नहीं है, बात
क्लाइंट के ऊपर है, हाई एंड क्लाइंट है। तो डेढ़ लाख का फ्रिज होगा, 1 लाख का, हम लोग का क्या है 15 हज़ार, 20 हज़ार का, 25 हज़ार का फ्रिज होगा, 40 हज़ार तक का फ्रिज हो जाएगा, है ना। तो उनके जो फ्रिज है उसके हिसाब से हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो मैंने अभी, और वैसे भी हम एक रफ एस्टीमेट लेके चलते हैं कि कितना चीज़, क्या चीज़ें आ भी पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। तो मैंने किचन का स्लैब जो रखा है, ये आप देख सकते हो कैसा शेप है इसका, रेक्टेंगुलर है। यू शेप है ये आपका, ठीक है, यू शेप आपका है। इधर की तरफ हम क्या रख सकते हैं, इधर की तरफ हमारा माइक्रोवेव आ जाएगा, उसके पीछे क्या आ जाएगा, फ्रिज आ जाएगा, बीच में से रास्ता रहेगा जाने का। ये रास्ता आपका मिनिमम 4 फिट होना चाहिए। आ रहा है 4 फिट हमारा, ठीक है, 4 फिट होना चाहिए कम से कम। अब यहाँ पे सेंटर में क्या दिया जाए, हाँ में भी हो सकता है, इसीलिए पहला प्लान हम इंच फिट में बना रहे हैं, नेक्स्ट प्लान हम एमएम में बनाएंगे। ज्यादातर ऐसे मिलता है, एमएम में ही ज्यादा मिलता है, देखो ऐसे कोई कंपल्सन नहीं, कुछ कंपनीज पे डिपेंड करता है, कुछ कंपनीज इंच फिट में काम करती हैं, कुछ कंपनीज एमएम में काम करती हैं। अब ज्यादातर एमएम में काम होने लगा है, यूएस बेस्ड कंपनी इंच फिट में ही काम करती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ इसके सामने क्या लगाया जाए, सिंक लगेगा या आपका चूल्हा लगेगा, क्यों? जनरली हम लोग क्या चूल्हा ही लगाते हैं, खिड़की पे एक एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, वहां से धुआं निकल जाता है। हाई एंड क्लाइंट में क्या होता है, चिमनी लगती है, लगती है, ठीक। तो जनरली हाई एंड क्लाइंट में खिड़की के सामने सिंक दिया जाता है, क्योंकि चूल्हे से क्या होता है, आप खाना बनाओगे छींटे आएंगे इस पे लोग, खिड़की पे जाएगा, खिड़की का शीशा खराब होगा बार बार, इसलिए वहां हम क्या देते हैं, सिंक देते हैं। चूल्हा क्या होता है, फिर साइड के अलावा कहीं ना कहीं रखेंगे, और उसमें चिमनी से क्या होगा, आपका वेंटिलेशन बन जाएगा। तो हमारा स्लैब जो है, ये वाली लेंथ ज़्यादा बढ़िया आ रही है, इसमें इस जहाँ माइक्रोवेव लगेगा इससे लगभग 2.5 फिट जगह छोड़ के हम क्या दे सकते हैं, सिंक दे सकते हैं, 3 फिट का सिंक का एरिया हो जाएगा, वो सॉरी आपका हॉब दे सकते हैं, चिमनी यानी कि कुकिंग रेंज आपकी वो आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। दोनों तरफ आपको सामान रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा, इधर भी सामान रख सकते हो, इधर भी स्लैब को इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे इसके नीचे क्या, इस पे क्या आ जाएगा, सिंक आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स के लिए रखने की जगह हो जाएगी, जैसे कि मिक्सर है, ग्राइंडर है ना, कुकिंग प्रिपरेशन काउंटर्स हो गए आपके, वो सारे आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते आराम से। अभी 4 फिट ही रखा मैंने इसको, अगर ये 5 से 6 फिट और बड़ा होता तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट काउंटर भी ऐड कर सकते थे, यहाँ से आने जाने का रास्ता रखते इधर से, तो वो ऐसे यू शेप ऐसे नहीं होता, उसको हम इस तरीके से बनाते, सी टाइप का सी शेप बनाते, और यहाँ पे आगे चेयर डाल देते, वो हमारा क्या हो जाता, ब्रेकफास्ट काउंटर के साथ रहता। लेकिन उस वैसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता, किचन को थोड़ा सा वाइड करना पड़ता। अब किचन को वाइड किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर इन सबको पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। अभी कितना हो गया, देखो 9 फिट हो गया। किचन में आने जाने की जगह चाहिए होगी हमें, चाहिए होगी, नहीं चाहिए होगी, कितनी लगेगी, कम से कम 3.5, 3 फिट तो छोड़ना ही पड़ेगा, 3.5 फिट छोड़ लो, चलो 5 से ब्रेकफास्ट काउंटर आएगा। फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ से कम 3 फिट की जगह छोड़नी होगी, फ्रिज आ जाएगा यहाँ पे आपका कॉर्नर पे, सिंक यहाँ जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक पार्टीशन वॉल खड़ी हो जाएगी जिससे इसकी छींटे फ्रिज के ऊपर ना जाए, हॉब आपका यहीं आएगा, ठीक है, ये आपका ब्रेकफास्ट काउंटर आ जाएगा। फिर
ये आ जाएगा हमारा सी शार्प। सो इन तरीकों से आप चेंज करके देख सकते हो। अब ये थोड़ा सा और वाइड होता ना तो ये ब्रेकफास्ट काउंटर ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि अभी ये काउंटर कितनी लेंथ का आ रहा है, सिर्फ 2 या 3% की सेटिंग आ रही है। थोड़ा सा बड़ा और होता ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा आता, 1 फिट और बड़ा होता, 1.5 फिट और बड़ा होता तो 4% की सेटिंग आ जाती आराम से यहाँ पर, फिर वो अच्छा हो जाता थोड़ा सा। लेकिन वो करने के लिए फिर हमें इसको इधर शिफ्ट करना पड़ता, तो या तो अगर शाफ्ट वगैरह नहीं होती तो भी किया जा सकता था, क्योंकि रूम का साइज़ तो अच्छा खासा बड़ा है हमारा ये, है ना, 1 फिट इधर इसको कम कर भी सकते थे। लेकिन वॉशरूम फिर हमारा नहीं बन पाता, वॉशरूम बनाते तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से शाफ्ट हटानी पड़ती, फिर शाफ्ट मजबूरी में फिर इधर डालनी पड़ती, इधर नहीं दे सकते तो इधर देते तो यहाँ से वॉश बेसिन को हमें वॉशरूम के अंदर लेना पड़ता, फिर वो भी किया जा सकता था, उसमें भी कोई इशू नहीं। ठीक है, खैर इस तरीके से फ्लोर प्लानिंग कर की जा सकती है। अब फ्लोर प्लान करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सारा एरियाज का सेटअप लिख के रखना है आपको, किचन उसका साइज, मास्टर बेडरूम उसका साइज, वॉशरूम अटैच वॉशरूम उसका साइज, शाफ्ट उसका साइज, ठीक है, कॉमन वॉशरूम उसका साइज, ये आपका हैंड वॉश यूनिट, हैंड वॉश एरिया, ये आपका पूरा लिविंग रूम या लिविंग प्लस डाइनिंग रूम, ये आपका बेडरूम टू, ये आपका स्टेयर्स एंड पार्किंग एरिया। हाँ क्या कह रहे थे आप, शाफ्ट की विड्थ 3 फिट 2.5 से 3 फिट मैंने आपसे कहा था, 2.5 से 3 फिट आप ये विड्थ रखिएगा, बाकी लेंथ आपकी उसके ऊपर डिपेंड करती है, आप इसको थोड़ा सा चाहो तो और छोटा भी कर सकते हो। यहाँ शाफ्ट तीनों का वेंटिलेशन कर देगी, इसका भी वेंटिलेशन होगा, इसका भी वेंटिलेशन होगा, और इस रूम के लिए एसी वगैरह लगाते हैं तो उसके पाइप वगैरह भी इधर से आ सकते हैं, वैसे तो एसी के पाइप बाहर से भी जा सकते हैं, ओपन स्पेस है, बट फिर भी आपके पास एक ऑप्शन, आप चाहो तो इधर भी दे सकते हो। ये हम एक बड़ी सी ग्लास विंडो दे देंगे इसके। अब बाकी फर्नीचर का काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम इसमें इंटीरियर सेटअप करेंगे। ठीक है, चलिए इतना फ्लोर प्लान, उसमें विंडोज, वेंटिलेशन और डोर मैंने पढ़ा दिया आपको, डोर के ब्लॉक लगे होने चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट से साइजेस लिखे होने चाहिए, ठीक है, क्या एरिया है उसका साइज कितना है हर एक के, एंट्री और एग्जिट पे गेट्स वगैरह जितने भी हों सारे बने हुए होने चाहिए, इसके साथ साथ विंडोज होनी चाहिए सब में, जैसे यहाँ पे भी फ्रंट पे भी हम विंडो देंगे, ठीक है, वो विंडो दे दिए, इधर की तरफ विंडो का कोई मतलब नहीं बैठेगा, तो इधर विंडो देने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, सो इतने को आप सेटअप करके लेके आइए नेक्स्ट क्लास में, और अगर आप फर्नीचर डाल सकते हैं तो फर्नीचर भी प्लेस करके लेके आएंगे, फर्नीचर का डिस्कशन इसी प्लान में, मतलब जो आपने बनाया है आप उसमें भी डाल सकते हो, गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन फर्नीचर डालेंगे तो फिर भी